इस मॉर्निंग की शुरुआत कुछ अलग थी, क्योंकि जो रोजाना करते थे वो आज नहीं करने वाले थे। हेलो, तो सोचा तो ये था कि 4 बजे से पहले पहले निकलना है, बट 4 से ऊपर बज गए, ये तो 5 बज गए, पूरे 5 बज गए भाई। 5 बज गए पूरे, तो निकलते हैं। प्लान तो ये था कि भाई 9-10 बजे से पहले पहले पहुंच जाते तो बेटर होता, बट अभी कितना टाइम लगेगा मुझे पता नहीं। और गणपति बाबा का नाम ले लेंगे और उसके बाद फिर अपनी जर्नी पर लगेंगे। अभी सोसाइटी में शांति है, खैर तो लेट्स गो। 3 बैग हैं तो ऐसी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कार में जा रहे हैं तो चलो 3 बैग हो गए, कोई बात नहीं, उस हिसाब से हम कर लेंगे मैनेज। उठने में बड़ा दिक्कत हो रही थी सुबह सुबह, मैं जब 3 बजे के अराउंड मैं उठ चुका था, मैं कोशिश कर रहा था कि अब 1 घंटे के अंदर निकल जाऊँगा, लेकिन काफ़ी दिक्कत आ रही थी। पानी भी गर्म नहीं था, पानी ठंडा, ऊपर से जनवरी का सीज़न, दिल्ली की सर्दी, वो तो गाना भी सुना होगा आपने, तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत सी हो रही थी क्योंकि पानी गर्म नहीं हो रहा था। गीज़र में मैं बार बार चेक कर रहा था कि शायद हो जाएगा, बहुत देर में पानी गर्म हुआ है। गेट ठीक से नहीं लगाया बंदे ने, ये बंदा भी यहाँ पे मिला था मुझे जब मैं हाईवे से नीचे उतरा, तो यहाँ पे बंदा मिल गया, बोलने लगा मैं होटल में काम करता हूँ तो मुझे आगे तक ड्रॉप कर दो। मैंने कहा चल तू रास्ता भी थोड़ा सा बता दे, बोला रास्ता तो कुछ नहीं, बस यही हाईवे गया है थोड़ा सा रॉन्ग लेके, वहाँ से आप कट ले लेना, फिर अपने उस पर रास्ते पर आ जाएंगे, तो मुझे वहाँ भी छोड़ देना और आप सीधा निकल जाना। बाकी अभी ये बंदा गया तो गेट शायद ठीक से नहीं लगा, तो बना देते हैं। चलो भाई, गेट लॉक हो गया, बंदा अच्छा था वो, थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देनी चाहिए लोगों की। और वैसे भी ना हर बंदा ना आपको लूटने के लिए नहीं बैठा है। काफ़ी चौड़ी गंगा है, अगर आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको काफ़ी दूर तक पानी चलता हुआ नज़र आएगा। पानी का बहाव जो है वो बेमिसाल है, बड़ा तेज है। सो ऑल राइट गाइस, कोटद्वार में एंटर करते ही पहाड़ थोड़े थोड़े दिखाई देने लगे, जिससे मेरा जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, डबल डबल बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे मुझे पहाड़ दिख रहे हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा धुंध जरूर है, लेकिन हमारी गाड़ी अब रुकने का नाम नहीं ले रही है, यानी हमारा मन नहीं है कि हम उन पहाड़ों से पहले कहीं भी रुकें। हालांकि रुकने का ऐसा कोई खास प्लान भी नहीं है, अगर हम आगे लैंसडाउन भी जा रहे हैं तो हम कोशिश में यही रहेंगे कि रात में भी ना ठहरें, हम कहीं और निकल जाएं, क्योंकि उत्तराखंड एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। कहीं रुकने से बेटर है कि हम आगे बढ़ें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशंस को कवर करा सकें। ये पहाड़ आ चुके हैं और इधर व्यू कुछ देखेंगे तो इधर एक ब्रिज है, बहुत चौड़ा ब्रिज नहीं है, एक बार पे एक ही गाड़ी निकल रही है, बस आ जाती है तो बाइक भी साइड से निकलना मुश्किल है, इतना पतला ब्रिज है। नीचे पानी बह रहा है, बहुत अच्छी नदी है, तो मैं कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा आपको पास से। देखिए कितना पतला ब्रिज है, इसमें बस भी निकल जाती है, लेकिन बस निकलती है तो समझो फिर और कुछ नहीं निकलेगा, काफ़ी पतला सा ब्रिज है। और कोटद्वार से निकलने के बाद ये पहाड़ आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ये पहाड़ देखो क्या पहाड़ है। वाओ, नाइस।
पहाड़ों में खूबसूरती का नजारा ले। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि कॉपीराइट क्लेम की गुंजाइश ही नहीं बचती, क्योंकि ये गाना लिखा भी मैंने है और गा भी मैंने दिया और डेडिकेट कर दिया इन हरे भरे पहाड़ों में। तो एंजॉय ले इन हरे भरे पहाड़ों का मेरे साथ और बढ़े इस जर्नी पर आगे की तरफ, क्योंकि इन खूबसूरती का नजारा चलेगा। देखो ब्यूटी, शांति और ब्यूटी। अभी जो भी आवाज़ आ रही है तो होटल के लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वैसे देखो शांति सुन सकते हो। तो एक छोटा सा मैगी पॉइंट है। तो राइट नाउ आधे घंटे की जर्नी है, मुश्किल से 25 मिनट की जर्नी होगी, और अभी मैगी पॉइंट पर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू चलते रहेंगे। ब्रेकफास्ट की जहाँ तक बात है वो पहुँच कर ही कर लेंगे। लैंसडाउन जा रहे हैं तो लैंसडाउन पहुँचने के बाद ही हम लंच करेंगे और वहाँ पे घूमना फिरना ही होगा। रात में स्टे करने के लिए कुछ देख लेंगे। सो कैसा लग रहा है? देखिए व्यू, बहुत ही शानदार व्यू है। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नीचे खाई है। खाई क्या है, नीचे काफ़ी नीचे है, हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं।